तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अंधभक्तों को लगा एक और बड़ा झटका, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाली राजस्थान की शिक्षिका को कोर्ट ने दी जमानत, अंधभक्तों का बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 6 महीने के भीतर अमेरिका पर हमला कर सकता है इस्लामिक स्टेट, अमेरिका के अधिकारियों ने किया दावा, जो बाइडेन की बड़ी मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहने पर गुजरात में राहुल गांधी पर केस दर्ज, आज सूरत कोर्ट में इसी मामले को लेकर होंगे पेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के बेटे की पत्नी स्वार विधानसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव, अखिलेश यादव की हां का इंतजार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिर से लगाई फटकार, मांगी है जानकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन पर नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, कहा मुझे राजभर ने दिया धोखा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंधभक्तों को लगा एक और बड़ा झटका, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाली राजस्थान की शिक्षिका को कोर्ट ने दी जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की जीत का जश्न भारत में मनाने को लेकर अंधभक्तों को आज बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने उन लोगों को जमानत दे दी है जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न भारत में मनाया था। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला T20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने का राजस्थान में आया था, और राजस्थान में नफीसा अटारी ने पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान के समर्थन में एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसके बाद अंधभक्तों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी और राजस्थान में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालत ने बुधवार को नफीसा अटारी को 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी और उनसे दलील दी है कि पोस्ट के पीछे कोई दुर्भाग्यपूर्ण इरादा उनका नहीं था। इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवम्बर को होगी। वहीं आपको बता दें कि नफीसा ने एक व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड किया था जिसमें लिखा था कि वो बिन हो गई है। इसका कई लोगों ने विरोध किया था, देखते ही देखते ये स्टेटस वायरल हो गया था, जिसके बाद इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था और इन्हें गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी यूपी सहित कई राज्यों में देशद्रोह के केस दर्ज पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर भारत में हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहने पर राहुल पर गुजरात में केस दर्ज, आज सूरत कोर्ट में होंगे पेश। यह दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज सूरत की कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी को 29 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी 2 बजे सूरत एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने रैली में कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी सबके सरनेम कॉमन है, सब चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है। इस बयान के बाद गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के विधायक पूर्ण सेठ मोदी ने मनहानि का केस दर्ज किया था, जिसके बाद आज उन पर इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को राहुल ने चोर कहा था और प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया में राहुल गांधी ने बदनाम किया था, जिसके बाद मानहानि का केस राहुल पर दर्ज बीजेपी के नेताओं ने कराया था और इसी मामले में आज राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है आजम खान के बेटे की बहू, अखिलेश यादव और आजम खान के हां की है देर। जो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के रामपुर से सपा सांसद आजम खान अपने छोटे बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ अदालत में चल रहे कई मामलों में काफी समय से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में जहां प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने जाने को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, तो वहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो आजम खान के बेटे की बहू विधानसभा चुनाव इस बार लड़ सकती हैं। और वहीं आपको बता दें कि आजम खान के बेटे की बहू ने कहा है कि उनके ससुर आजम खान की हां होने पर ही वह चुनावी मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आजम खान रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा यहीं से शहर विधायक है, तो वहीं उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान जनपद की स्वा टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, तो वहीं आजम खान की गैर मौजूदगी में उनके बड़े बेटे अदीब आजम की पत्नी सिद्रा अदीब ने मीडिया से मुखातिब
मुखातिब होकर अपने ससुर आजम खान की सियासी विरासत को मौका मिलने पर संभालने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगर उनके ससुर यानी आजम खान इसी बीच करेंगे तो वह रामपुर मिलिया यूनिवर्सिटी में 2019 में उतर जाएंगे। तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी जानकारी, बढ़ गई है मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की घटनाओं से संबंधित मामले में स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। हिंसा की ये घटनाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस उसे निचली अदालतों में चल रहे मामलों की स्थिति के बारे में सूचित करेगी। इसमें कोर्ट में दाखिल किए गए आरोप पत्रों की संख्या, आरोप तय किए गए मुकदमों की सुनवाई शुरू और गवाहों की संख्या में जानकारी देगी। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट में छात्रों ने कहा था कि जबरन दिल्ली पुलिस कैंपस में यूनिवर्सिटी की घुस गई थी और छात्र गार्ड सहित लड़कियों के साथ बदसलूकी की थी और बच्चों की जमकर पिटाई लगाई थी, शीशे भी तोड़ दिए थे और बंदूक भी छात्रों पर तानी थी, पूरी लाइब्रेरी भी तोड़ दी थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने कहा कि तत्काल दिल्ली पुलिस इस बारे में हमें जानकारी दे और हम दिल्ली पुलिस पर फिर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई, दिल्ली पुलिस की मुश्किलें हर बार इन मामलों में बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों के जख्मों को किया हरा, पश्चिमी यूपी में बिगड़ न जाए राकेश टिकैत का फार्मूला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों के जख्मों को कुरेद कर फिर से हरा कर दिया है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि 8 साल पहले मुजफ्फरनगर का मुसलमान खून के दरिया से गुजरा और अब कहा जा रहा है कि भूल जाओ। साथ ही ओवैसी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में जाटों ने बीजेपी को वोट देकर जिताया, जब जाट चौधरी अजीत सिंह को हराकर उन्हें छोड़ सकते हैं तो मुसलमान पुरानी रवायत क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह ओवैसी ने पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण में सैन लगाने की कवायद करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल के बाद अब गोवा में बीजेपी को चुनाव हराने की ममता बनर्जी ने खाई कसम, 3 दिवस के दौरे पर पहुंची। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को बुरी तरह से चुनाव हराने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर गोवा पर है। दरअसल आपको बता दें कि गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने ऐलान कर दिया है और गोवा में भाजपा को चुनाव हराने के लिए ममता बनर्जी आज 3 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंची है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ ही महीने बाद गोवा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी देखते हैं गोवा में बीजेपी को हराने में कामयाब होती हैं या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में 2 छात्रों को दी बड़ी राहत, माओवादी लिंक का लगा था आरोप। यह दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़े मामलों में केरल के 2 छात्रों को आज राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी लिंक के आरोपों के चलते जेल में बंद थप्पा फजल को जमानत दी है। वहीं दूसरे छात्र एलन सुहेब की भी जमानत बरकरार रखी है। इस मामले में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस AS ओका की बेंच ने 23 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। वहीं आपको बता दें जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, इन पर आरोप लगा था कि ये देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं और UAPA के तहत इन पर केस दर्ज हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राहत कोर्ट ने दी है इन्हें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों को इजराइल से दोस्ती करने के बाद ईरान भड़का। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल से करीबी रिश्ता बनाने वाले मुस्लिम देशों को जमकर आज ईरान ने फटका लगाई है और कहा है कि किसी भी मुस्लिम देश का इजराइल से रिश्ता बनाना सबसे बड़ा पाप है। इस देश ने इजराइल से करीबी रिश्ता बनाने वाले मुस्लिम देशों को जमकर फटका लगाई है और कहा है कि किसी भी मुस्लिम देश का इजराइल से रिश्ता बनाना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा है कि इजराइल लगातार हमारे मुसलमानों को फिलिस्तीन सहित गाजा पट्टी में शहीद कर रहा है और हम इस आतंकवादी देश से किस तरह से हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों को शर्म करनी चाहिए जो इजराइल के साथ व्यापार और उसके साथ जाने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार इजराइल की सरकार कर रही है और इस तरह इजराइल से किसी भी कीमत पर मुस्लिम देशों को संबंध नहीं बनाने चाहिए और हम किसी भी कीमत पर इस पापी देश से संबंध नहीं बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई ने दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के शामिल, दिल्ली के बॉर्डर खुलने पर राकेश टिकैत बोले, सड़कें खुली तो पार्लियामेंट में बेचेंगे अपनी फसलें, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। चौंसा बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत टिकरी बॉर्डर और फिर गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने पर शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसान अपनी फसलें कहीं पर भी बेच सकते हैं, रास्ते खुले तो हम अपनी फसलों को पार्लियामेंट में जाकर बेचेंगे। शुक्रवार को राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर कहा कि पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, हमने रास्ता नहीं रोक रखे हैं,
हम आगे की योजना बनाकर बताएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश का अन्नदाता पिछले 11 महीनों से लगातार सड़कों पर बैठकर अपना हक मांग रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हट धर्मिता अपनाते हुए तानाशाही कर रही है और देश के अन्नदाताओं पर जुल्म कर रही है। गरीबों की रोटी पर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। जो बड़ा हमला राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला और कहा कि अगर रास्ते खुले तो अब हम अपनी फसलों को पार्लियामेंट में जाकर बेचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप अपनी फसलों को कहीं पर भी बेच सकते हैं। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंद है जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में।